ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विघटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादशे तानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य और आज हम उपस्थित हैं आपके साथ वृश्चिक राशि वालों के भाग्य में बृहस्पति महाराज का ये परिवर्तन क्या कुछ करने वाला है। देखिए, बृहस्पति महाराज का ये परिवर्तन वृश्चिक राशि वालों के लिए जो ग्रह दिखाते हैं नई खुशियाँ लेके आता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति का ये परिवर्तन जो उदय हुए हैं बृहस्पति 2 जून से, विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से सप्तम भाव में पदार्पण जो हुआ 1 मई के आसपास हुआ। 1 मई के बाद बृहस्पति जैसे ही अपना कार्य शुरू करने वाले थे उससे पहले सूर्य ने वहाँ आकर उनको अस्त कर दिया, उनका प्रभाव शून्य कर दिया। बृहस्पति का ये प्रभाव जो होता है विशेष तौर पर समझना चाहिए, जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो सूर्य के अति सन्निकट आने के कारण से सूर्य की रोशनी में आकर वो ग्रह दिखना बंद हो जाता है वायुमंडल के अंदर, आकाशमंडल के अंदर। तो उस स्थिति में 12 अंश तक जब सूर्य के सन्निकट रहने के कारण से उस ग्रह को अस्त मान लिया जाता है, यानी प्रभावहीन मान लिया जाता है। ग्रह वहीं पर है, ग्रह की आंख में पट्टी नहीं बंधी, वो लोप हो गया, उसका प्रकाश लोप हो गया। जितना प्रकाश सूर्य के आगे है तो उसके कारण से वो लोप हो गया, इसलिए उसका प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं हो पाया जो बृहस्पति महाराज आपकी राशि में करने के योग बनाने वाले थे। अब बृहस्पति महाराज 25 दिन बाद पुनः पूरी तरह से उदय होकर आपकी राशि के अनुसार से आपके लिए विशेष तौर पर जो बता रहे हैं खुशियाँ लाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है आपको, कुछ खास बातें अच्छी बातें के साथ साथ कुछ कष्ट भी साथ साथ चलते हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। किंतु परंतु साथ में हमेशा लगा रहता है कुछ ना कुछ। तो वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल महाराज भी विशेष तौर पर अब राहु से ग्रास से बाहर आके आ गए हैं और वो भी विशेष तौर पर 1 जून के आसपास राहु के प्रभाव से बाहर आके सुंदर तरीके से आपके लिए नए आने के बढ़ने के योग बनाने की सुंदर स्थिति उत्पन्न करते दिखाई देंगे। तो लेकिन ध्यान रखने की ज़रूरत है कुछ खास बातों में। विशेष तौर पर शनि मंगल का टकराव चल रहा है, ये भी विशेष तौर पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। शनि की दृष्टि पूरी तरह से मंगल पर पड़ती दिखाई देगी। बृहस्पति महाराज यहाँ पर जो उदय होकर उपस्थित हुए हैं ये विशेष तौर पर लाभ तो देंगे, विशेष तौर पर खुशियाँ भी देंगे, लेकिन एक बार ध्यान रखना कि कई बार सर मुंडाते ओले भी पड़ जाते हैं। तो जो भी आप कार्य कर रहे हैं सावधानी के साथ, विशेष तौर पर अलर्ट होते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बृहस्पति आपके प्रभाव को बहुत बढ़ाएंगे, बृहस्पति आपके प्रभाव को सुंदर तरीके से आगे बढ़ाने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, बहुत बढ़िया आगे बढ़ने की स्थिति बना सकते हैं। बृहस्पति का जो पदार्पण है आपकी राशि के अनुसार से समझें तो किन किन भावों के स्वामी ये बृहस्पति महाराज आपकी राशि के अनुसार से जो है, यदि हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए द्वितीय भाव धन भाव के स्वामी हैं। बृहस्पति महाराज पंचम भाव के स्वामी, बुद्धि के स्वामी हैं और बुद्धि जब सप्तम भाव में विराजमान होकर ग्रह जो है ज्ञान का ग्रह जो है वो वहाँ उपस्थित, तो आपके पर्सनालिटी में बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से आपको एनहांसमेंट होता दिखाई देगा, लाभ की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई देगा। बृहस्पति की दृष्टि भी बहुत सुंदर पड़ रही है, देखिए सामने पूरी तरह से पंचम नवम और सप्तम, यानी आपके लाभ का भाव या आपका लग्न और आपका तृतीय भाव, इन तीनों दृष्टि पे लाभ का 11वां भाव यानी लाभ का भाव, इनकम का भाव, लग्न यानी आपका स्वयं पर्सनैलिटी, आपकी तन, आपका शरीर और आपका फेस, इन सब का प्रभाव, और तीसरा भाव जो है वो पार्टनर का भाव है, मित्र का भाव है, आपके पराक्रम का भाव है, इन सबको भी एनहांस करता दिखाई देगा। तो बृहस्पति का प्रभाव यहाँ बहुत सुंदर स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके लिए समझने की ज़रूरत यह है कि इस वक्त आपको बस थोड़ा बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है, जल्दीबाजी तुरंत में डिसीजन नहीं लेना है, उसको प्लानिंग ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि स्थिति जब आ रहा होता है ना बहुत जल्दी तरीके से, हम हर चीज़ को हैब्जर्ड वे में करना शुरू करते थे, हाय हाय, जैसे गाय को अपने हमारी गौशाला है, हम बचपन में देखते थे गाय बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो शाम को जब घास डालते हैं गाय को तो क्या होता है, देखते हैं कि गाय सारी की सारी जब एक साथ चारों जगह होती है तो अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है, गाय सबसे पहले जो दूर दूर वाला है ना उसको खाते हुए पहले अपनी तरफ इकट्ठा कर लेती है, और जिससे रात को मैं बेशांति से और ज़्यादा जो बाहर सी चीज़ें हैं उसको करने का प्रयास करती है। एक्विजिशन इसी तरह, जब समय अच्छा चल रहा होता है, ये उदाहरण मुझे वैसे ही याद आ गया, लेकिन जब हम काम अच्छे चल रहे होते हैं तो हम क्या होते हैं दूर दूर के काम पकड़ पकड़ के अपनी तरफ उसको खींचना शुरू कर देते हैं। इसके कारण से क्या होता है, कई मुसीबतें भी खिंच के हमारी तरफ आ जाती हैं, कई मुसीबतें हमारे खिंच के आ जाती हैं। तो इस वक्त स्कैनिंग की ज़रूरत है, अलर्ट होकर स्कैनिंग की ज़रूरत है। ये ग्रह आपके लिए विशेष तौर पर लाभ के योग तो बना ही रहा है,
ऐसे में ध्यान रखना है कुछ खास बातों पे। फक्कड़ किस्म के लोग, आवारा किस्म के लोग, जिनका ना ठौर ना ठिकाना, जिनका कोई बेस नहीं है, ना घर है, ना ठौर है, ना ठिकाना है, ऐसे लोगों की मित्रता बिल्कुल नुकसान दे सकती है, तो उनसे बच के रहना भाई। ऐसे में खास तौर पर ध्यान रखना है कुछ अनते हुए लोग जो हैं, जिनका कोई ठौर नहीं, ठिकाना नहीं, ऐसे लोग यदि आपके साथ जुड़े हुए हैं तो वृश्चिक राशि वालों खास तौर पर ध्यान रख लेना, वो आपको नुकसान दे के जा सकते हैं। लेकिन ग्रहों की स्थिति बाकी सारे भी आपके बड़े अच्छे चल रहे हैं। शनि महाराज आपके लिए बड़ी सुंदर तरीके सुख वाले भाव में बैठकर बहुत सुंदर योग बना रहे हैं, शत्रुओं को समाप्त कर रहे हैं, तो ओवरऑल हमें दिखाई देता है कि ये समय बहुत आपके लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। और समझ लीजिए बृहस्पति महाराज आपके लिए बहुत सुंदर योग बना रहे हैं। बृहस्पति वृषभ राशि में होकर आपके सप्तम भाव में वृश्चिक राशि वालों के लिए जो विराजमान हो गए हैं, तो ये तो मैं कहूँगा आपके लिए वारे न्यारे करवाने वाली स्थिति उत्पन्न करते हो। गोचर में खासतौर पर एनालाइज करके देख लेना जो योग हम बता रहे हैं। हम आप वैसे हमारे चैनल को आप देखते रहिएगा, उसके अंदर समय समय पर हम भविष्यफल भी राशि का बताते रहते हैं, जो हाथ 10-10 दिनों में क्या क्या होने वाला है आपके साथ, उसमें ध्यान रखिएगा। जब जब बृहस्पति के साथ इन दिनों आने वाले करीब करीब, बृहस्पति यहाँ कब तक रहेंगे, करीब करीब अगले साल 24 के आरंभ काल तक रहेंगे, अप्रैल तक तो स्थिति दिखाई दे रही है, तो अप्रैल में जब जब चंद्रमा जिस महीने में चंद्रमा बृहस्पति के साथ 2-2.5 दिन के लिए बैठ के आएगा, तो वो स्थिति आपके लिए धन लाभ के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। गजकेसरी यानी गजकेसरी के योग का जब जब चंद्रमा के साथ बृहस्पति का योग बनेगा, और जब वृषभ में चंद्रमा भी आ जाएंगे, वृषभ में बृहस्पति भी चलते रहेंगे, वो स्थिति तो बहुत ही अनुकूल रहती दिखाई देगी। उस समय में आपको बहुत सारा इंट्यूशन, बहुत ज़रा पॉजिटिव काम बहुत बढ़िया तरीके से आपको चलाने की स्थिति उत्पन्न करने के योग देंगे। तो वृश्चिक राशि वालों ये समझ लो कि आपके लिए समय बहुत सुंदर है। ऐसे में आपको एक उपाय हम बताने का प्रयास करें, केसर युक्त खीर बनाकर हनुमान को भोग लगाया करो उसका। केसर युक्त चावल की खीर बनाकर, दूध युक्त खीर बनाकर भगवान को भी भोग लगाएं, ब्राह्मणों को भी खिलाने का प्रयास कीजिए, बृहस्पति का सुंदर उपाय होगा। और साथ साथ आप यदि ये उपाय करने का प्रयास करोगे तो देखिए बहुत बढ़िया तरीके से आपके जीवन साथी का सहयोग जितना आपको मिलेगा, जीवन साथी का जितना आप सम्मान करेंगे, ये सप्तम भाव जीवन साथी का भाव भी है। कई बार क्या होता है कि आमतौर पर कई बार मजाक में कह देते हैं जीवन साथी से बड़ा शत्रु तो कोई है नहीं, नहीं भैया, जीवन साथी इस वक्त आपके लिए बहुत बढ़िया बरकत करने का योग बनाने वाला है, तो उसका सहयोग, उसकी सेविंग्स का सहयोग, उनके साथ काम करने का सहयोग, यदि आप उनके साथ इज्जत रखते हुए, ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करोगे तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 12 वर्ष बाद बृहस्पति यहाँ पर आए हैं। देखिए बृहस्पति एक राशि में एक साल रुकते हैं और 12 वर्ष बाद बृहस्पति आते हैं, और ग्रहों का गोचर देखो इस वक्त कितना सुंदर है। शनि महाराज स्वग्रही होकर आपकी राशि में सुंदर तरीके से चतुर्थ में विराजमान है, सुख को उदय करने का योग बना रहे हैं, बहुत सुंदर स्थिति में। बृहस्पति महाराज बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे सप्तम भाव में विराजमान होंगे, 12 वर्ष बाद ये स्थिति आपकी ग्रहज दिखाई। ये गोचर के दृष्टिकोण से हम बता रहे हैं आपको, हमें नहीं पता है कि आपकी राशि कौन सी, आपका विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग आपकी मूल कुंडली में क्या बना हुआ है, दशाएं क्या चल रही हैं, वहां बृहस्पति कहीं कमजोर स्थिति में ना हो, किमुद्रम योग ना हो, उन सबको यदि प्रॉपर एनालाइज कर लिया जाए तो गोचर के दृष्टिकोण से तो आप समझ लीजिए ये ग्रह 12 वर्ष बाद इतनी सुंदर स्थिति में आपके लिए बनकर आए। पर फिर भी कुछ मामलों में खासतौर पर ध्यान रखना, कहीं आपको जैसा हमने कहा फक्कड़ किस्म के लोग, उचक्के किस्म के लोग, जिनका कोई आवारा किस्म के लोग, वो आपके लिए खास तौर पर बहुत पनौती से खूबसूरत होने वाले हैं। ऐसे ऐसे लोग बहुत सारे आजकल देखो कितने स्कैम चल रहे हैं, फ़ोन कर करके लोगों किस प्रकार से कह देते हैं, ऐसे बिल्कुल उछलते आए, हम आपको बहुत बढ़िया लाभ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, कहीं आपको लगा रहे किस्मत जगाने वाले पंडित जी ने बताया था जो योग है और ये तो आ गई वो ऑफ़र, ऐसे उछलते लोगों से जिनको जानते नहीं हैं, जिनके साथ आपका संबंध नहीं है, जिनके साथ आपने कार्य नहीं किया है, उनको स्कैन करना बहुत ज़रूरी है। बृहस्पति को ताकत देने की ज़रूरत है, और बृहस्पति को ताकत देने के लिए कहा हमने आपको पीली चीज़ों का दान, खीर विशेष तौर पर, ये बहुत सुंदर उपाय बताया हमने आपको, अवश्य ये करने का प्रयास कीजिए। बृहस्पतिवार के दिन, सोमवार के दिन भगवान शंकर के मंदिर में जाकर उनको भोग लगाइए, ये सब चीज़ों का देखिएगा बहुत परिवर्तन के योग बनेंगे। शनि को और ताकत देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है वो सफलता वाले भाव में पड़ रही है, दशम भाव में पड़ रही है, वो ठीक नहीं है। तो ऐसे में बड़ा सुंदर योग बन रहा है कि जब जब शनिवार पड़े शनि के निमित्त उपाय कर लीजिए अवश्य। और इस बार तो 6 जून को शनि जयंती है, हमने विवेकानंद योग आश्रम में बड़ा प्रोग्राम रखा है, शनि के निमित्त शनि ग्रह शांति महायज्ञ रखा है, 100 पाठ हनुमान चालीसा के रखे हैं, और सुंदर तरीके से समझें कि ये सुंदर उपाय है, बहुत सुंदर तरीके से इसको आप करने का प्रयास कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। वैसे हमारे आश्रम में समय समय पर आपको बताते रहते हैं, ये सब कार्यक्रम चलते रहते हैं, और यज्ञ का जितना सहारा लेंगे, बृहस्पति महाराज यज्ञ से संबंध रखते हैं, ज्ञान से संबंध रखते हैं, ये ज्ञान मुद्रा अवश्य कीजिए, पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर नित्यपति बृहस्पति के मंत्र का ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग स गुरुवे नमः इसका कम से कम 108 बार जप कर लीजिए, और उस वक्त जप करते हुए एक हाथ इस ज्ञान मुद्रा में अवश्य रखने का प्रयास कीजिए। इतनी देर यदि ज्ञान मुद्रा कर ली, देखिए मुद्राएँ जो हैं बहुत चमत्कारी हैं, आपके हाथ में विभिन्न तीर्थ हैं, विभिन्न ग्रहों से संबंध रखती है,
ये बृहस्पति की उंगली है, बृहस्पति के साथ जो अग्नि के साथ लगा लेंगे तो बिना किसी बाह्य चीज़ के, बिना किसी नक के आपकी बृहस्पति को शुभ करने की स्थिति ये मुद्रा उत्पन्न कर देगी, ज्ञान मुद्रा है। और इसी प्रकार से विभिन्न ग्रहों के लिए हम समय समय पर आपको इस बारे में अवगत कराने का प्रयास करते ही हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, ये बहुत सुंदर समय आपके लिए आ गया है, इसका पूर्ण लाभ लेके यदि कार्य करने का आप प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर आपके लिए स्थिति उत्पन्न करने वाले योग बनेंगे। तो कुछ मामलों में जो सावधान रहना है वो भी बता दिया है आपको, तो ध्यान रखते हुए कार्य कीजिए और जन्म पत्री को अच्छे से एनालाइज कीजिए। देखिए परिवर्तन का समय बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखिए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके साथ जुड़े रहते हैं और आम तौर पर आज की तारीख में लोग जो हैं वो उपायों को विशेष तौर पर इस प्रकार समझते हैं कि कई ज्योतिषी के पास चले गए, एक उपाय बताया, उन्होंने ऐसे उपाय बता दिए कि जो आपकी सामर्थ्य से ही बाहर हैं, या इतने महंगे महंगे उपाय बता दिए जाते हैं। ज्योतिष एक बहुत सरल विषय है, आपको वास्तविक तौर पर ग्रह की अवस्था समझनी है, विडंबना में नहीं फंसना है। ऐसा कोई उपाय बताने का आवश्यकता ही नहीं है जो व्यक्ति की सामर्थ्य से बाहर हो। महंगे महंगे रत्न पहना दिए, महंगे महंगे उपाय बता दिए, महंगे कुछ ऐसी अवस्थाएं बना दी कि वो हो ही नहीं सकती हैं। आमतौर पर सरल उपाय जो व्यक्ति की सीमा में हो वही समझते हुए ज्योतिष के अंतर्गत यदि बताए जाए तो वास्तविक तौर पर लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। ऐसे में गोचर के दृष्टिकोण से हमने आपको बताया कि आपकी राशि के अनुसार से कई विशेष तौर पर योग भी बनते रहते हैं, उस समय में आप अच्छे से अध्ययन कर उन सब चीज़ों को करने का प्रयास करें। अभी देखिए शनि जयंती आ रही है, शनि जयंती पड़ रही है, ऐसे में शनि का योगा योग जो आपकी राशि के अनुसार से जो कष्ट देने के योग बना रहा है या कहीं ना कहीं उसको पावर को और एनहांस की जरूरत है तो उसको यूटिलाइज कर लीजिए। हमने विवेकानंद योग आश्रम के माध्यम से समय समय पर विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े उत्सव हम लोग करते रहते हैं, यज्ञ इत्यादि नित्य प्रति 8 घंटे चलता ही है विवेकानंद योगाश्रम में। और ऐसे में विवेकानंद योगाश्रम में जो यज्ञ चलेगा अभी 6 जून को विशेष तौर पर बड़ा विशेष यज्ञ रखा जा रहा है, शनि ग्रह शांति महायज्ञ, शनि ग्रह शांति महायज्ञ। और इस यज्ञ के अंतर्गत आप विशेष तौर पर ये काम कर सकते हैं कि उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। हमने शनि ग्रह शांति महायज्ञ के साथ साथ बहुत सुंदर तरीके से 100 पाठ हनुमान चालीसा के रखे हैं। देखिए आपकी राशि के अनुसार से बृहस्पति महाराज पूर्ण ताकत में है, शनि कहीं ना कहीं थोड़े से कष्ट देने के योग बना रहे हैं, तो ऐसे में शनि जयंती के दिन विशेष तौर पर आप भी उस यज्ञ में भाग लेकर अपने कष्टों को निवारण करने के लिए सुंदर तरीके से लाभ की स्थिति बना सकते हैं और सुंदर तरीके से लाभ मिलेगा। विवेकानंद योगाश्रम इसमें समय समय पर आपके लिए बहुत सारे कार्य करता रहता है। आप भी हमारे यज्ञों में सम्मिलित होकर, विशेष कार्यों में सम्मिलित होकर बहुत सारे कार्य चलते हैं। हॉस्पिटल में कार्य, हॉस्पिटल है, प्राकृतिक चिकित्सा सेंटर है, आयुर्वेद सेंटर है, आश्रम में गौशाला है और बहुत सारे शोध संस्थान के तौर पर आश्रम कार्य करता रहता है। आप सब उस आश्रम में चल रही गतिविधियों का लाभ लीजिए और जो भी आपकी निजी समस्याएं हैं उनको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं और हम अवश्य आपके प्रश्नों का निदान इस कार्यक्रम के माध्यम से देंगे। धन्यवाद।